हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसबी चैनल में। तो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है यूजी पीजी सीएलसी राउंड के बारे में। यूजी पीजी सीएलसी थर्ड राउंड की जो वैकेंसीज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, यानी कि जो कल से आप वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी। शो नहीं कर पा रहे थे कि हमारे कॉलेज में कितनी सारी वैकेंसी हैं, तो इसके लिए मैंने सुबह भी जो कि एक वीडियो भी अपलोड किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि 10 से 11 के बीच में जो कि वैकेंसी शो करने लगेंगी। तो वही है जो कि 10:30 बजे, जैसे ही 10:30 का टाइम हुआ वैसे ही जो कि वैकेंसी शो करना स्टार्ट हो गया है। वो कैसे वैकेंसी देखना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा, और इस वेबसाइट पर आने के बाद में इस जगह पर आपको लिंक दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग वैकेंसी, तो इस लिंक पर जो कि आपको ओके कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस लिंक पर ओके कर देते हैं। जैसे हम इस पर ओके करेंगे हमारे सामने एक ऐसा नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें अब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना कॉलेज, यहाँ पर कोर्स लेवल और अपना कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद कैप्चा डाल देना। तो चलिए दोस्तों, ये सब मैं फिल कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं एक कॉलेज है जो कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ग्वालियर का जो कि कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद में मैंने यहाँ से एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लिया, कमला राजा गर्ल्स पीजी कॉलेज, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने एक अंडर ग्रेजुएट, यानी कि सेम प्रोसेस, अगर आप पीजी यानी कि एमएम कॉम एमएससी की सीटें देखना चाहते हैं, इस पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट ओके करना पड़ेगा। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी की सीटें देखना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट पर ओके करना पड़ेगा। तो हम अंडर ग्रेजुएट की देखना चाहते हैं यानी कि बीए की सीट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको अंडर ग्रेजुएट पर ओके कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमको जो कि सिलेक्ट कर लेंगे अपना कोर्स में जो कि देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने बीए में देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जो कि कैप्चा डाल देंगे। चलिए दोस्तों, हम कैप्चा डाल देते हैं। तो मैं देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से कैप्चा डाल दिया, और कैप्चा डालने के बाद में मैं यहाँ से सर्च पर ओके कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से सर्च पर ओके किया तो हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप नीचे आओगे थोड़ा सा, और इस जगह पर आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम देख पा रहे हैं, कॉलेज नेम, कोर्स कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बीए की सीट है जो कि देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको नोटिस करना होगा, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें दिया गई है टोटल वैकेंसी, यानी कि जो पहली वाली जो लाइन है उसमें टोटल वैकेंसी आपको शो करेंगी कि किस इस कॉलेज में कितनी सारी वैकेंसी थी टोटल। और जो सबसे जो सेकंड नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है उसमें जो लिखा है एडमिशन का क्या मतलब है कि कितने सारे एडमिशन हो चुके हैं, यानी कि टोटल वैकेंसी इतनी है और एडमिशन इतने हो चुके हैं, तो उसमें से अगर माइनस करके जितनी भी सीटें बचेंगी वहीं जो कि शेष सीटें होंगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आना है साइड में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस कॉलेज में सबसे पहले ऊपर वाली लाइन आपको पता है टोटल वैकेंसी, यानी कि इस कॉलेज में कितनी सारी वैकेंसी हैं, 1444 वैकेंसी हैं टोटल, और यहाँ पर एडमिशन कितने हो चुके हैं, 1254 एडमिशन हो चुके हैं, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 190 आता है, यानी कि 190 सीट अभी इस कॉलेज में खाली रह गई हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉलेज का चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सारी सीट का है। बस एक बात याद रखना है आपको, ऊपर वाला जो है जो कि टोटल वैकेंसीज हैं और नीचे वाला एडमिशन हो चुके, उसमें से आपको टोटल वैकेंसीज में से एडमिशन माइनस कर देना होगा। जैसे ही आप माइनस कर दोगे आपके सामने रिक्त सीटें आ जाएंगी, जैसे हमने इसमें माइनस किया तो हमारे सामने रिक्त सीटें आ गई। तो इस प्रकार से पूरा पूरा आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ यार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी परेशानी का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं बता दूँ, जो कि बॉयज़ ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट किया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि कोई भी बॉयज ऐड होना चाहता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉयज़ ग्रुप का है ओनली, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप लोग, वो लिंक है ओनली बॉयज़ का है, गर्ल्स का उसमें लिंक नहीं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, ओनली बॉयज़ ग्रुप का जो कि लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप जरूर ऐड हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए बाय।